हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छा तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पैलेसोपोडा या पैलेसीपोड्स भी कहते हैं इन्हें। इनका दूसरा नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लैमेली ब्रांच, ठीक है। इन्हें इन तीनों नाम से जानते हैं, पैलेसोपोडा या पैलेसीपोड्स या लैमेली ब्रांच, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे पैलेसोपोड्स होते क्या हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी की तरफ, ठीक है। इसमें हमारे डेंटिशंस होते हैं, तो हम अलग अलग डेंटिशंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैल सपोर्ट्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इस वीडियो लेक्चर में आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पैल सपोर्ट की डेफिनेशन से। पैल सपोर्ट्स बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, ये मोलस्का फाइलम में बिलोंग करते हैं। दी लैमिली ब्रांच, मैंने जैसे कि आपको बताया, इन्हें लैमिली ब्रांच भी कहते हैं। तो हम पैल सपोर्ट्स यूज़ करें या लैमिली ब्रांच यूज़ करें, एक ही बात है। दी लैमिली ब्रांच आर ओएस्टर्स, इसमें ओएस्टर्स भी आते हैं, ठीक है। क्लैम्स आते हैं और भी कई तरह के आते हैं, तो मैं यहाँ पे ओएस्टर्स को डिस्क्राइब किया, मेंशन किया है। लैमली ब्रांच आर ओएस्टर्स, ठीक है। ऑल आर मरीन, यानी कि ये वाटर के आसपास रहते हैं। मरीन, मरीन का मतलब होता है पानी, पानी से संबंधित है। तो ऑल आर मरीन, ठीक है। सम लिव ऑन लैंड, कुछ लैंड पर रहते हैं। अदर्स इन वाटर, कुछ पानी में। एंड मैनी ऑन बोथ, और कुछ तो हैं दोनों, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, दे आर बाइवेल्व्ड, हैव टू शेल्स, ये बाइवेल्व्ड होते हैं, यानी कि इनके पे दो सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि बताया था, एक वेल्व ये होगा, एक वेल्व ये होगा, ये आपस में जुड़े हुए हैं हिंज से। हिंज यानी कि पीछे पीछे, मतलब एक जुड़े हुए हैं, ठीक है। जोड़ जिसे बोलते हैं, हिंज का मतलब होता है जोड़, ठीक है। दे हैव टू सेल्स, इनमें दो सेल्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया। एंड दियर कॉमन नेम इज़ बाइवेल्व्स, पैलेसोपोडा को जो कॉमन नेम है बाइवेल्व्स है, इनको बाइवेल्व्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे मॉर्फोलॉजी, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। द हिंज, यहाँ पे ई होना चाहिए, द हिंज इज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्शन नोन एज टीथ, अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशंस नोन एज सॉकेट्स, ठीक है। ये जो हिंज बनता है, ये कैसे बनता है, देखो ये है, देखो सपोज ये करो ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारे दो वेल्व्स हैं, एक वेल्व ये है, एक वेल्व ये है, यहाँ भी पीछे से जुड़े हुए हैं, हिंज हिंज से जुड़े हुए हैं, जोड़ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसे हिंज कहते हैं। तो ये जो हिंज बना है, ये कैसे बनता है, ये बनता है एक तरफ क्या होता है इसमें, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम टीथ बोलते हैं। प्रोजेक्शन यानी कि उभार होते हैं उसमें, और उनको हम कहते हैं टीथ। देखो ये इनके टीथ हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होंगे, सॉकेट होंगे। तो ये टीथ जो है इन सॉकेट्स में ऐसे फिट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे फिट हो रहे हैं ना, ये टीथ है और ये इसके सॉकेट हैं, ये टीथ इसमें फिट हो गए सॉकेट्स में, ठीक है। तो तब ये बनता है, ठीक है। ऐसे करके ये हिंज बनते हैं, ठीक है। यानी कि एक एक वेल्व में टीथ हो सकते हैं और दूसरे दूसरे वेल्व में सॉकेट होंगे, और वो जो टीथ हैं एक वेल्व में, वो दूसरे दूसरे वेल्व के सॉकेट में फिट हो जाएंगे यूं करके, ठीक है। द टीथ एंड सॉकेट्स इन अ हिंज लाइन अल्टरनेट विद ईच अदर इन द टू हाफ्स, ठीक है। यानी कि एक 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 हाफ में तो टीथ होते हैं और दूसरे हाफ में सॉकेट होते हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है, देखो जैसे ये ऊपर वाला वेल्व है, ये नीचे वाला वेल्व है, तो ऊपर या तो ऊपर वाले में सारे सारे टीथ ऊपर वाले में होंगे और नीचे वाले में सॉकेट होंगे। ये इस तरीके से भी हो सकता है, देखो ये ऊपर वाला वेल्व है तो इसमें कुछ टीथ होंगे, ठीक है, कुछ टीथ ऊपर वाले वेल्व में, कुछ टीथ नीचे वाले वेल्व में, ठीक है। और जब ये जुड़ेंगे तो ये तो खैर इन सॉकेट्स में फिट हो जाएंगे, और ये जो है इन सॉकेट्स में फिट हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाले में भी सॉकेट होंगे, नीचे वाले में भी सॉकेट होंगे, ऊपर वाले में भी टीथ होंगे, नीचे वाले में भी टीथ होंगे। तो जब जुड़ेंगे तो ये टीथ इस सॉकेट में फिट होंगे और ये टीथ इस सॉकेट में फिट होंगे, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। इन द टू हाफ सॉकेट दे आर हिंज टूगेदर बाय लिगामेंट, और जो ये जो है, ये जो दो वेल्व्स हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, यहाँ पे लिगामेंट होता है, ठीक है। लिगामेंट, लिगामेंट से जुड़े रहते हैं ये, ठीक है। याद करो ब्रैकियोपोडा में किससे जुड़े रहते थे, ब्रैकियोपोडा में लिगामेंट से नहीं जुड़े रहते थे, लेकिन ब्रैकियोपोडा में वो मसल से जुड़े रहते थे, ठीक है। इसमें ये लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। तो पैलेसोपोडा और ब्रैकियोपोडा में डिफरेंस आता है, डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, तो वो डिफरेंस हम आगे की वीडियोज में करेंगे, बट मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको कि ब्रैकियोपोडा में वो मसल से जुड़े रहते हैं जो दो वेल्स होते हैं, और पैल्सेपोडा में ये दोनों वेल्स लिगामेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर
डिपेंडिंग ऑन द नेचर शेप एंड साइज ऑफ द टीथ एंड सॉकेट्स अ फ्यू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डेंटिशंस हैव सो फार बीन रिकोगनाइज. डी ई एन टी आई टी आई ओ एन, ये यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, डेंटिशियन, इसको डेंटिशियन पढ़ेंगे, हैव सो फार बीन रिकोगनाइज. ये कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर शेप एंड साइज ऑफ टीथ एंड सॉकेट, जो जो टीथ एंड सॉकेट्स होते हैं उनके नेचर, उनका शेप और उनकी साइज देख के हमने जो है डेंटिशन को डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डेंटिशन हैव सो फार बीन रिकॉग्नाइज, यानी कि काफ़ी अलग अलग किस्म के डेंटिशन हमने पहचाने हैं और उन डेंटिशंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. अब देखो डेंटिशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में उसके टीथ किस तरीके से अरेंज हैं उसी को हम डेंटिशन कहते हैं. तो हमने अलग अलग तरीके के डेंटिशन पहचाने हैं और उन डेंटिशंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहला है टैक्सोडोंट, इसको हम टैक्सोडोंट ऑल्सो नॉन एज एलेनोडोंट, इनको एलेनोडोंट के नाम से भी जाना जाता है. हेयर द टीथ एंड सॉकेट्स आर मोर और लेस सिमिलर इन द फॉर्म एंड साइज. टैक्सोडोंट की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो टीथ और सॉकेट्स होंगे वो साइज में, वो फॉर्म और साइज में एक जैसे होते हैं, लगभग लगभग एक जैसे होते हैं टैक्सोडोंट में, ठीक है. इस एग्जाम्पल है न्यूकुला कॉमा आर्का, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं. इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें इसमें जो टीथ और सॉकेट्स होंगे वो साइज में और फॉर्म में लगभग लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, एक जैसे होंगे हम कह सकते हैं, ठीक है. दूसरा है डिसोडोंट, DYSODONT. हेयर द टीथ रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द अम्बो. अब देखो हमने बैक पोर्ट्स में पढ़ा था अम्बो क्या होती है, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. अगर ये आपका बैक, ये आपका कोई वेल्व है, ठीक है, और यहाँ ऊपर पे इसका ये बीक बीक जैसा स्ट्रक्चर है, इस बीक को, चोंच जैसा स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं अम्बो. अब ये कह रहा है हेयर द टीथ रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द, ये फ्रॉन नहीं है, ये फ्रॉम है, ठीक है, ये एम फ्रॉम फ्रॉम द अम्बो, जो टीथ जो है अम्बो से बाहर की तरफ रेडिएट करते हैं. देखो जैसे ये जो ये लाइन्स हैं ऐसे रेडिएट कर रही है ना, तो यहाँ पे अम्बो से जो है टीथ जो है बाहर की तरफ रेडियस की तरह निकलेंगे. ये अम्बो है, यहाँ से टीथ ऐसे में निकलेंगे, ठीक है, ऐसे में. अगर मैं इंटीरियर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, तो सपोज करो ये बीक है, ये बीक है ना, यहाँ से टीथ ऐसे निकलेंगे, ऐसे रेडियस की तरह, ठीक है, रेडियस की तरह निकलेंगे. जैसे रेडियस निकलती है ना किसी पॉइंट से, वैसे ही इसमें टीथ निकलेंगे, ठीक है. इसके एग्जाम्पल हैं माइटिलस कॉमा ऑस्ट्रिया, ठीक है. अगला है आइसोडोंट. आइसोडोंट में क्या होता है, हेयर द हिंज कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एंड स्लाइटली कर्व्ड टीथ. यहाँ पे क्या होता है, हिंज में जो ये हिंज, ठीक है, तो हिंज में इसमें क्या होता है, टू स्ट्रॉन्ग एंड स्लाइटली कर्व्ड टीथ होते हैं. इसमें जो दांत होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और थोड़े से मुड़े हुए होते हैं. विच अकर इन ईच वेल्व, जो कि दोनों वेल्व में होते हैं, टीथ जो है इसमें दोनों वेल्व में होते हैं और दोनों वेल्व में जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और स्ट्रांग होते हैं. एंड फिट्स इन टू द सॉकेट्स ऑफ अदर वेल्व, और जो ये है टीथ इस वेल्व में भी होंगे, इस वेल्व में भी होंगे, और ये जो है सॉकेट इस वेल्व में भी होंगे और इस वेल्व में भी होंगे. तो ये टीथ जो है वो इसके सॉकेट में फंसेंगे और ये टीथ जो है वो इसके सॉकेट में फंसेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल दिया यहाँ पे स्पॉन्डाइलस, ठीक है, स्पॉन्डाइलस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो है सीजोडोंट, ठीक है, अगला है सीजोडोंट, SCHIZODONT. अब ये क्या होता है, काफ़ी बार समटाइम्स अ फ्यू थिक एंड ओकेजनली ग्रूव्ड टीथ आर डेवलप्ड एंड दीज मे वेर इन शेप एंड साइज. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कभी कभार क्या होता है, जो टीथ जो होते हैं वो थिक होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं और ग्रूव्ड होते हैं. ग्रूव्ड होने का मतलब देखो, ये है सिंपल टीथ, ये एकदम प्लेन है, ठीक है. इसमें ये देख रहे हैं, ये आप तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है, ये दांत के जो नीचे के हिस्सा है ये टेढ़ा मेढ़ा, इसी को कहते हैं ग्रूव्ड होना, यानी कि ठीक है, ग्रूव्ड होने का मतलब यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा, ये देखो ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, यहाँ पे दांत मतलब सीधा नहीं है, ये पहले ऐसा है और यहाँ से ये इसमें ऐसे अप्स एंड डाउन्स है, तो इसी को कहते हैं ग्रूव्ड ग्रूव्ड टीथ, ठीक है. तो किसी किसी डेंटिशंस में क्या होता है,
सॉरी, किसी किसी पेरिसिपोड्स में क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो थिक होते हैं और ग्रूव्ड होते हैं, यानी कि ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। एक ही दांत है उसमें नीचे से ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। इनको ग्रूव टीथ कहते हैं, आर डेवलप्ड, जो जिनमें ये पाए जाते हैं उन्हीं को सीजोडोंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो ये है टीथ जो है, इसमें शेप और साइज में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हेटरोडोंट की। हेटरोडोंट क्या होता है, ऑल्सो नोन एज टेलोडोंट, इनको हम टेलोडोंट के नाम से भी जानते हैं। वेयर द टीथ आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज एंड आर फ्यू इन नंबर। इनमें क्या होता है, टीथ जो है शेप और साइज में एक जैसे नहीं होते हैं और नंबर में भी कम होते हैं, यानी कि दांत जो है कम होते हैं। अगला है डेस्मोडोंट, हेयर ट्रू टीथ एंड अ हिंज प्लेट। यहाँ पे टीथ होते हैं और हिंज प्लेट होती है, बट वन और मोर लेमिने और रिज आर डेवलप्ड एट द हिंज मार्जिन। पर जो हमारी हिंज मार्जिन होती है ना, देखो हिंज मार्जिन को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये ऊपर वाला वेल्व है, ये नीचे वाला वेल्व है, तो ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो मार्जिन बनेगी, यहाँ पे जो लाइन बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिंज मार्जिन। तो यहाँ पे क्या होता है, और लेमिने आर डेवलप्ड एट द हिंज मार्जिन, यहाँ हिंज मार्जिन पे परतें जम जाती है, लेमिनेशन। अब लेमिनेशन आपने सुना होगा, लेयर्स, यानी कि बेसिकली यहाँ हिंज मार्जिन पे जो है काफ़ी सारी लेयर्स रहती हैं। तो इस टाइप के जो पेरिसिपोड्स होते हैं उनको डेस्मोडोंट कहते हैं, ठीक है। इनमें टीथ और हिंज प्लेट तो होते ही हैं, बट इनमें इनकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जहाँ पे इसकी हिंज लाइन होती है वहाँ पर इसमें परतें जमी होती है, लेमिनेशन होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के पेरिसिपोड्स को हम डेस्मोडोंट कहते हैं। अगला है एस्थेनोडोंट। अब एस्थेनोडोंट क्या होते हैं, पढ़ते हैं, इन द बरोइंग लैमेली ब्रांचेस, जो बरोइंग यानी कि जो खोद, जमीन को खोद करके जमीन के अंदर रहते हैं उनको बरोइंग एनिमल्स कहते हैं। और ये हम लैमेली ब्रांचेस या पेरिसिपोड्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लैमेली ब्रांच, जो इन द बरोइंग लैमेली ब्रांचेस, ऐसे लैमेली ब्रांच जो जमीन के अंदर रहते हैं, द हिंज इज मेड अप ऑफ ऑब्सोलीट टीथ, OBSOLETE। ऑब्सोलीट टीथ का मतलब है जो टीथ पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, लेस डेवलप्ड, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने, ठीक है। तो ऐसे बरोइंग लैमिली ब्रांच है, यानी कि ऐसे जमीन के अंदर रहने वाले, खोद जमीन को खोद कर उसमें रहने वाले लैमिली ब्रांचेस, जिनका हिंज जो है वो ऑब्सोलीट यानी ऑब्सोलीट टीथ से बना हुआ है, यानी कि जो ऐसे दांतों से बना हुआ है जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, इस तरीके डेंटिशन को हम कहते हैं एस्टेनोडोंट, जिनके दांत जो हैं पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं और वो जमीन को खोद कर उसमें रहते हैं, ठीक है। अब अगला है इडेंचुलस। अब इडेंचुलस क्या होता है, देख रहे पढ़ते हैं, लैमिली ब्रांचेस विद नो टीथ आर सेट टू पोजेस इडेंचुलस सेल। ऐसे लैमिली ब्रांचेस जिनके टीथ नहीं होते, जिनके दांत नहीं होते, उनको कहते हैं हम इडेंचुलस सेल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज पैलियो कोनका, इनको हम पैलियो कोनका के नाम से भी जानते हैं। द सर्फेस ऑफ दिस सेल मे बी स्मूद और मे बी ऑर्नामेंटेड। इनकी जो सर्फेस होती है लैमिली ब्रांचेस की, वो स्मूद भी हो सकती है और ऑर्नामेंटेड यानी कि डेकोरेटेड भी हो सकती है। अब सजी हुई किससे रहती है, वो रेडिएटिंग रिब्स से, ये हमने कल भी, ये हमने लास्ट लेक्चर ब्रैकियोपोड्स में भी पढ़ा था। अब रेडिएटिंग रिब्स क्या रहती है, ठीक है, रेडिएटिंग रिब्स। तो देखो ये ऐसा, अगर उसका सेप है, यहाँ पे उसकी बीक है, बीक से इसमें रेडियस की तरह लाइनें निकल रही होंगी, रेडियस की तरह, तो इनको हम कहते हैं रेडिएटिंग रिब्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक रिब्स, ठीक है। अब ऐसी रिब्स भी होती हैं जो कॉन्सेंट्रिक, जो सर्कल बना रही हैं, ठीक है, जिनका एक ही सेंटर है, ऐसी रिब्स भी हो सकती हैं। एंड स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन मतलब सीरीज ऑफ रिजेस, स्ट्राइएशन मतलब कुछ परतें होती हैं, अब बहुत सारी परतें होती हैं, तो उनको स्ट्राइएशन कहते हैं, ठीक है। स्ट्राइएशन भी होते हैं, ट्यूबरकल्स यानी स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन, इसमें ऐसे राउंड राउंड प्रोजेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड स्पाइंस वगैरह इसमें हो सकती हैं, वही उसको सरफेस को ऑर्नामेंट यानी कि सजा देती हैं। द इंटीरियर ऑफ द वेल्व्स आर मार्क्ड विद द इम्प्रेशन ऑफ द मसल्स। जो वेल्व्स का जो अंदर का हिस्सा होता है वो मसल्स के इम्प्रेशन, उसमें मसल्स के इम्प्रेशन होते हैं, ठीक है, यानी मसल्स के छापे पड़े होते हैं। इन अ लिविंग एनिमल देर आर इलास्टिक लिगामेंट्स, ठीक है। अगर 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 इन लिविंग एनिमल यानी कि सजीव कोई जानवर है, तो उसमें जो क्या, उसमें हमारे, उसमें
इलास्टिक लिगामेंट्स होते हैं विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टर, और ये इलास्टिक लिगामेंट डायरेक्टर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब डायरेक्टर का फंक्शन क्या होता है, सेल को खोलना, ओपन करना सेल को। तो जो इलास्टिक लिगामेंट्स होते हैं वो सेल को खोलने में मदद करते हैं इन केस ऑफ लैमेली ब्रांचेस। लैमेली ब्रांचेस के केस में सेल को खोलने में कौन मदद करता है, इलास्टिक लिगामेंट्स, ठीक है, और उनको बंद करने में मदद करता है एडेक्टर्स एंड एडेक्टर्स क्लोजेस इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका डायग्राम, ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये तो इसमें जो ये जो पार्ट है इसको हम लिगामेंट कहते हैं, ये इसकी बीक है यानी कि अम्बो, ये इनके जो टीथ्स हैं इनको कहते हैं कार्डिनल टीथ। ये हमने क्या किया, एक लैमेली बांध लिया, उसको खोला है और उसके अंदर का इसका हम ऐसे करके उसका अंदर इसका देख रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको एंटीरियर एडक्टर कहते हैं, और जो ये यहाँ पे मार्क करा हुआ है मैंने, ये इसको कहते हैं पैलियल सीनस, और जो ये वाली लाइन है ये अंदर वाली सेकेंड लाइन इसको पैलियल लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाली साइड है वेंट्रल साइड, वेंट्रल आपको पता है हमने कल भी बताया था, वेंट्रल जो होता है क्या होता है, लोअर साइड जो नीचे का हिस्सा होता है किसी भी एनिमल का उसको कहते हैं वेंट्रल, ठीक है। और ये जो है इसका पोस्टीरियर एडक्टर, ठीक है, और पोस्टीरियर का मतलब है बैक पार्ट, जो उसके पीछे के पार्ट की जो मसल होती है ये उसकी वाली मसल है, ठीक है। और एडक्टर का काम ये होता है सेल को बंद करने में मदद करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इनके अलग अलग व्यूज हैं, ये डॉर्सल व्यू ऑफ अ सेल, किसी सेल का ये डॉर्सल व्यू है, ठीक है। डॉर्सल का मतलब आपको पता है अपर साइड, और वेंट्रल का मतलब लोअर साइड, ये इसका बैक पार्ट मतलब पीछे का हिस्सा है, ठीक है। और ये देखिए ये एक और डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये हमने ऐसे में बनाया हुआ है, मतलब अगर वो ऐसे में है दोनों वेल्स ऐसे में जुड़े हैं उसको हम यू में नोटिस कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट ही होगा उसका अम्बो, तो ठीक है। ये जो ये पॉइंट है ये अम्बो है, ये एस्क्यूटिचियन, ESCUTCHEON, ठीक है, प्रोनंसिएशन देख लेना क्योंकि मेरा प्रोनंसिएशन पता नहीं सही है कि नहीं है, ठीक है। ये इसका राइट वेल्व है, ये वाला लेफ्ट होगा फिर, ठीक है। और ये जो ये स्पेस है इनके बीच में दोनों वेल्स के बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं ल्यूनूल, LUNULE, ठीक है। तो जो हमने सबसे पहले देखा था इस पार्ट में, ये है इंटीरियर ऑफ ए वेल्व, किसी कोई लेफ्ट वेल्व का इंटीरियर हिस्सा, ठीक है। ये अब ये जो है इसका बी पार्ट जो है ये इसका डॉर्सल व्यू है, डॉर्सल व्यू ऑफ अ सेल, ये जो बी पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। और ये सी पार्ट है, ये है पेक्टिन, PECTE। अब जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पेल्सोपोडा का, व्हाट इज द जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेल्सोपोडा। द अर्लियर रिकॉर्ड फॉसिल्स ऑफ लैमली ब्रांचेस हैव बीन ट्रेस्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ लोअर ऑर्डोवीशियन एज। जो लैमली ब्रांचेस होते हैं उनके जो हमने सबसे पहले जो उनके फॉसिल पाए गए हैं वो लोअर ऑर्डोवीशियन एज में पाए गए हैं। दे रीच दियर कल्मिनेशन ड्यूरिंग क्वाटरनरी एज, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, कल्मिनेशन मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, जो लैमली ब्रांचेस हैं वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे क्वाटरनरी एज के दौरान पहुंचे। द जियोलॉजिकल रेंज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पेलिसपोर्ट्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट पेलिसपोर्ट्स की जियोलॉजिकल रेंज हमने यहाँ पे दे रखी है, देखिए आर्का जुरासिक से रिसेंट तक, ठीक है, न्यूक्यूला सिल्यूरियन से रिसेंट तक, पैक्टेन कार्बोनिफेरस टू रिसेंट, ठीक है, पेक्टिन जो है कार्बोनिफेरस टू रिसेंट, ऑस्ट्रिया ट्रायसिक टू रिसेंट, ग्राइफेया जुरासिक टू ईओसीन, यह है INOCERAMOUS, नोसेरेमस शायद आई यहाँ पर साइलेंट है, जुरासिक टू क्रिटेशियस, ट्रिगोनिया जुरासिक टू रिसेंट, कार्डिटा ईओसीन टू रिसेंट एंड माया टर्जरी टू रिसेंट, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।